विकासनगर से। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने किया डाक पत्थर में संयुक्त चिकित्सालय का भूमि पूजन। 13 करोड़ की लागत से बनेगा संयुक्त चिकित्सालय। विकासनगर डाक पत्थर क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए आज विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने संयुक्त चिकित्सालय का भूमि पूजन किया। विकासनगर ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह इस मौके पर विकासनगर उप जिला अस्पताल के प्रभारी और निर्माण इकाई पेयजल निगम विकासनगर के परियोजना प्रबंधक रविंद्र कुमार मौजूद रहे। भूमि पूजन उद्घाटन के अवसर पर विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान ने कहा, विकासनगर डाक पत्थर का ये संयुक्त चिकित्सालय लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा, जो आधुनिक हाईटेक सुविधाओं से लैस होगा। विधायक ने कहा, विकासनगर उपजिला चिकित्सालय में वहां परिसर क्षेत्र में जगह की कमी के कारण अनेक परेशानियां होती थी। उपजिला अस्पताल का विस्तार हेतु डाक पत्थर में भी परियोजना क्षेत्र के इस अस्पताल को उच्चीकृत कर डायलिसिस हार्ट केयर फैसिलिटी तक की सुविधाओं से लैस होगा। इस अस्पताल के बन जाने से हिमाचल प्रदेश डाक पत्थर चक्राता जौनसार बावर रवाई जौनपुर उत्तरकाशी क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलेगा। देहरादून राजधानी क्षेत्र के बड़े 13 अस्पतालों के चक्कर लोगों को नहीं लगाने पड़ेंगे। करते हैं रिकेश शर्मा जी और हमारे बहुत ही परम मित्र आदरणीय खंडवाल जी और मेरे नौजवानों की मंच पर विराजमान इस पंचायत की प्रथम नागरिक यहाँ की प्रधान बहन के जरिए हैं। इसलिए जब यहाँ पर शानदार मेडिकल फैसिलिटी होगी तो केवल ये नहीं है कि डाक पत्थर और जीवनगढ़ के लोग ही का इसमें उपचार होगा, तमाम सारे पूरा हमारा रवाई जौनपुर जौनसार ऊपर सामने हिमाचल वगैरह तमाम जगह के जो लोग यहाँ पे लोग चिकित्सा सुविधाओं के लिए आएंगे, उनके तीमारदार आएंगे तो इसी बाजार में उठेंगे बैठेंगे, यहीं पे खाने पीनेंगे, यहीं पे खरीदारी करेंगे, यहीं पे दवाई खरीदेंगे। तो इस प्रकार से हर डाक पत्थर में रोजगार का एक सृजन होगा, ये मेरा बड़ा मकसद इसमें एक साथ है। और निश्चित रूप से आज उस तरफ हमने एक मजबूत कदम उठाया है। लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से ये पहला चरण हम इस हॉस्पिटल का शुरू कर रहे हैं। मैं आपको आगे बता रहा हूँ, आगे फिर से लगभग 8-10 करोड़ रुपए का एक ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग भी हम यहीं पर बनाएंगे। इस प्रकार से 20 करोड़ से ऊपर का ये प्रोजेक्ट यहाँ पर जिसे कहना चाहिए शेप लेने जा रहा है। और आप समझ सकते हैं इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो भविष्य में जो अस्पताल यहाँ पर हम लोग सृजित करेंगे उस अस्पताल का स्वरूप क्या होगा जी। खबर भारतवर्ष के लिए विकासनगर उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी फैसला जनतंत्र का।